हाय, नमस्कार एवरीवन। हाउ आर यू? माय ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू गाइस? हाय सर यूसुफ, हाय अंजलि। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। या गुड इवनिंग मैम। एंड देयर आर नाउ हाउ मेनी पीपल एट दिस पॉइंट? वी आर 12 पीपल आर देयर। दैट्स ग्रेट। एनीवेज, सो शैल वी प्रीति मैम को हम जानते हैं एंड मिस्टर रोहित इज न्यू, राइट? सीमा मैम इज हेयर एंड देन प्रतिभा मैम, ये कुछ नए फेसेस हैं। उदय जी नए फेसेस हैं एंड देन अंजलि इज न्यू, गौरव जी आई थिंक ही इज फॉर हियर फॉर रिविजन, निशा इज फॉर रिविजन। राइट गाइज, राइट गाइज। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड समथिंग, फ्यू वर्ड्स अबाउट रोहित जी। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम रोहित कपूर सर। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपकी आवाज थोड़ी सी फेंट आ रही है, बट थोड़ा सा अगर आप बढ़ा लेंगे। मेरा नाम रोहित कपूर है, मैं नोएडा से हूँ। जी 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 अभी रिसेंटली मैंने एस्ट्रोलॉजी और वैदिक सीखना शुरू किया। न्यूमरोलॉजी मैं कर चुका हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा स्टार्स का, सन साइंस वगैरह का आइडिया है, बट अदरवाइज एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा अभी अभी शुरू किया है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। राइट 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 राइट, चलिए, दैट्स गुड, दैट्स गुड। एंड फर्दर इफ वी गो अहेड, मिस्टर सचिन इज देयर। सचिन जी, वी मे नो समथिंग अबाउट यू सर? सचिन भल्ला साहब। हेलो, यस सर। या सचिन जी, क्या या प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। सो सर, एक्चुअली आई एम वर्किंग इन अ प्राइवेट सेक्टर इन सेल्स एज वेल एज ऑकल्ट इज कंसर्नड। सो आई हैव लर्नड न्यूमरोलॉजी, टैरो, a short workshop on pendulum drowsing and right, right. candle divination. So very much interested in astrology, whether तो ये चक्कर गया है, सारे न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर क्यों बनना चाह रहे हैं भाई? ये समझ नहीं आ रहा मुझे। काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जिनको एस्ट्रोलॉजर बनना है, कोई स्पेसिफिक? स्पेसिफिक ये है कि मुझे स्टार्ट तो वैदिक ही करना था, बट व्हेन आई चेक फॉर अ वैदिक, तो उसमें जो कोर्स बिगिन, जैसे मैं भारतीय विद्या भवन में व्हेन आई चेक इन दिल्ली, उनका जो मॉड्यूल था वो जुलाई में शुरू था, तो समहाउ आई गॉट सम कोर्स ऑन न्यूमरोलॉजी इन मार्च, सो आई एनरोल्ड टू इट, तो आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, तो वहां से जर्नी शुरू हो गई। राइट राइट राइट। वैसे भी वो इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस का कोर्स है, वो उसको क्लियर करना भी काफी मुश्किल रहता है, मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दैट, जो आप बता रहे हैं ना, विच इज इन भारतीय विद्या भवन, दैट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्टर बी वी रमन बेसिकली। हाँ, डॉक्टर केएल राव शायद। केएल राव मे बी, हाँ, राव सर वॉज द लास्ट चेयरमैन, ये आप कह सकते हैं। आई एम नॉट अवेयर अभी कौन है। हाँ हाँ, एक्चुअली अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो दीज चैप्टर्स कम अंडर यू नो डिफरेंट डिफरेंट मेंटर्स। तो राव सर इज हेडिंग वन, इस तरह से, तो देयर आर इन डिफरेंट सिटीज डिफरेंट मेंटर्स आर देयर, सो दिस इज हाउ दे वर्क, बट इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड बेसिकली बीवी रमन, इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज, द हेडक्वार्टर्स इज इन चेन्नई, सो दे आर कोलैबोरेटेड विद द भारतीय विद्या भवन। आई एम ऑल्सो पास आउट ऑफ दैट ओनली, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, बट आई एम पास आउट ऑफ 2002, लॉन्ग बैक। ओके, लॉन्ग बैक। या या, आई एम अ क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर फ्रॉम इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज ओनली, but it's a long back story when I was just 22 years. So next is with the Apeksha ma'am, aapse hamara baat hua hai kya? Apeksha ji is there? Yes sir. Nahi, hamara pehle baat nahi hua. Ma'am, please introduce yourself, please kindly, ma'am. Well, I'm a student of food and nutrition from okay. Bangalore University. मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है बायोटेक्नोलॉजी में, एंड एक्चुअली जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से थोड़ा, पहले से एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव था, बट कभी ऐसा सीखने का चांस नहीं मिला, सो जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से थोड़ा बहुत देखते गए, एंड फाइनली ऐसा मैंने कभी कुछ सीखा नहीं है, बट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड कि मैं जानूँ, सो जस्ट ऐसे यहाँ पे आ गई, सो यहाँ पे आके काफी चीजें पता चल रही, सो इट्स वेरी नाइस। That's great, ma'am. That's great. We will wish you a very wonderful journey further also.
एंड फर्दर इफ वी गो अजीत जी इज देयर. अजीत सर, अजीत जी नमस्कार. हाय हाय सर, कैन वी नो समथिंग अबाउट यू प्लीज? या एक्चुअली आई एम फ्रॉम कोचीन केरला and okay. I just completed my graduation in 2017 and currently I'm running an IT company. I'm a commerce graduate. I was working in a medical department, I was a medical representative and I just launched a medical distribution company and later I had skipped that company and sold out and now just working as an IT consultant, also a project coordination. That's and great. Okay, and that's all about me. Actually, I don't have much knowledge in occult science. I just really do the meditation practitioners and yoga procedures. Just here to know about what's occult science and just need to grasp the more knowledge regarding this. Definitely. We are sitting there for that reason only. We will help you around that, you know, entire yeah. thing. And further, Seema ji is there. Thank you, Ajit sir. Thank you. Seema ma'am, can we, am I audible to you, Seema ji? I think she is busy. Anjali is sir, there. कोर्स के बारे में भी इंट्रोडक्शन दीजिएगा जो भी हम सीखेंगे आपके साथ में. बिल्कुल बिल्कुल. अवियर को जस्ट मैं बस एक दो लोगों से थोड़ा और बातचीत कर लूँ सर. जी, जी, जी. कपूर साहब, मैं फिर इसको इनिशिएट करता हूँ. आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ. थैंक यू. या अंजलि. या हाय एवरीवन, गुड इवनिंग. दिस इज अंजलि शर्मा. बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर एंड आई एम फ्रॉम एचआर एंड एडमिन डिपार्टमेंट एंड आई एम डूइंग माय जॉब इन दैट वे ओनली. बट द लाइन ऑफ लाइक एस्ट्रो, न्यूमेरो, टैरोट, इट इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. लाइक I'm very keen to learn about astro and all, and somehow I have attended some courses for tarot, for chakras and all. So I learned a lot of things, like how to balance yourself, and it's very new thing for me to learn. And definitely on daily basis, if you like applies that little bit things into your daily routine, it is becoming a habit for you, and that is giving you like positivity and good things for the whole day, to start your day in a good manner. So I think like to go into deep with the things with Bhavya sir, that is I asked him earlier as well, but now I got an opportunity to associate with him with the same course, and I believe that I'll learned a lot, and I'll do good in that as well. Sure. Thank you, Anjali. And here, Uday Singh ji is there. Uday ji, namaskar. Sir, namaskar, sir. I'm Uday Singh, and I'm basically from Hyderabad, sir. Yeah. I have near about 14 to 15 years of corporate experience. Currently, I'm associated with one of the pharma company as a project manager. Right. सो सर लाइक मैं भी जो है सर बचपन से मैंने पता नहीं क्यों आई स्टिल कुडंट फाइंड आउट द रीजन बट मेरा इंटरेस्ट जो है ये न्यूमरोलॉजी वास्तु के ऊपर बहुत ज्यादा रहा है. एंड बिलीव यू मी सर, कभी कभी मैंने जो भी मतलब यू नो टूटा फूटा नॉलेज जो भी गूगल से यहाँ वहां से देख के मैंने मतलब सीखा है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ न्यूमरोलॉजी और वास्तु पे मेरा थोड़ा ग्रिप अभी थोड़ा अच्छा आ चुका है. तो कहीं पे भी मैं कहीं जाता हूँ दोस्तों के घर में कुछ गलतियां देखता हूँ तो मैं अचानक मुझे गलतियां दिखने लगती है. साउथ ईस्ट में ये इन्होंने पानी गलत रखा है, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम अलग गलत है, तो मुझे मतलब दिख जाता है. एंड कभी कभी मुझे तो एक गुरु ने ये भी बोला था, भाई जब तक कि कोई आपको कुछ पूछे ना बताओ मत. और मैं क्या है बताना शुरू कर देता हूँ सर. इन इस कंटेक्स्ट में वन थिंग व्हाट आई फाउंड इज, जैसे कि मैं ब्राउज कर रहा था यूट्यूब वगैरह में, आई गॉट टू नो दैट यू नो बहुत कम अमाउंट में आप जो ये ये जो भी मतलब ये जो कोर्स आप हमको डिलीवर, ये नॉलेज जो डिलीवर कर रहे हो, आई रियली लाइक अबाउट इट सर. एस्ट्रोलॉजी भी मुझे बहुत दिनों से था कि मैं इन चीजों को जानूं, क्योंकि साउथ नॉर्थ अलग अलग हाउसेस होते हैं, क्या बेसिक चीजें हैं, कौन किसका एक्चुअली अपना ओन घर है, कौन किसके लिए एनिमी है, किसका कंजक्शन कैसा होता है, ये सब चीज एक इंटरेस्ट है सर मेरा.
So and I all of a sudden I don't know. मैं recently I just gone through it. मैं जैसे ही देखा मैंने जो है enroll कर लिया and I'm actually looking forward to learn so many things and sure. Yeah. We'll make it happen, sir. For sure. Anyways, let's yeah. Thank you, Udayji. Thank you, kind. Thanks. And there are anyone? I think it is not left. Pratibha ma'am, हमारी आपसे बात हो रखी है क्या? नहीं sir. Yeah ma'am, please introduce yourself. Kindly. Okay, yeah. And then we will go ahead rest. People are सबसे हम मिल चुके हैं. Yes ma'am, please ma'am. Yes. So I am Pratibha. मैं देहरादून से हूँ, but अभी मैं कोलकाता में रह रही हूँ. I work full time as a curriculum developer. So जहाँ तक astrology की बात है, it's just like I find it interesting. और also we find a lot of things online astrology को लेके, बहुत सारे post and stuff like that. So I just want to research on this more कि मतलब वो कितना सही है, क्या है, क्या नहीं है. Just you know, learning something new basically. So that's great. Right. चलिए. So first of all, let us initiate our you know first class for all of you. And मैं आपसे एक छोटी सी request करूँगा. Rest of the faces मैं जानता हूँ, प्रीति मैम को जानता हूँ, सीमा जी को जानता हूँ, as such गौरव जी को भी जानता हूँ मैं. Right, and rest of the people we met over here. So for all of you, you are you know welcome from the bottom of my heart, and we are initiating your first class today. So guys, just I would request you one small thing. Just have your copy pen with you. You need to have your copy pen because I'm going to speak few things. You have to you know note it down. Please show me in the camera that you are noting it down. Please. If you are ready, just open the camera, show me your pen copy, please. Then we will initiate the class. Because if you're not right, you will not able to understand. There are small things which I'm going to make you right. Sir, I'm ready with it. Uday Singh. Thanks. Really encouraged. Thank you, sir. Thank you, Kapoor sir. Thank you, Preeti ma'am. Thank you, Bhalla sir. Thanks, kind thanks. Thank you, ma'am. So, guys, right now, yes, Nisha ma'am, that's good. Ajit ji, theek hai, right. Thank you. Murli ji, Mr. Murli, can you show me your pen and copy? Though I know you have just entered into the classroom. Mr. Sir, Murli. I'm just getting it. Give me 2 minutes. Yeah, please get it. Sir, meanwhile, can I just utilize this opportunity? I have one question for you, sir. Yeah, please. Sir, basically, अभी जैसे कि मतलब मैं just shift में काम करता हूँ, ये मेरा working time है, sir. So I just wanted to ask you, in case अभी अगर मैं कुछ class miss कर जाता हूँ, इसका कुछ recording वगैरह आप? Yeah, you will get the recording. हमारे पास recording है. Even तो जो भी class चल रहा है, ये सारा record हो रहा है. ये आप लोगों के साथ एक drive में share कर दिया जाएगा. So that आप लोगों के पास permanent rights हैं, आप जब चाहें वो कर सकते हैं इसको explore. But that doesn't mean कि आप intentionally class को skip करें. वैसे तो वही इसका timing हम Sunday को ही कर देंगे. ये तो आज आपको backup देना था तो मेरे को बीच में आना पड़ रहा है. जो actually हर week नए लोग आ रहे हैं उनको मैं backup दे के sync कर रहा हूँ. Thank you, Mr. Murli. That's perfect. Thank you so very much. Yes. So guys, let us start. When we talk about basically astrology, तो astrology के बारे में जब आएंगे तो we need to understand the ecosystem. अब आप कहेंगे ecosystem क्या होता है? Ecosystem in the sense अगर आप एस्ट्रोलॉजी के नजरिए से इफ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोसिस्टम दैट मींस सपोज इफ यू आर एंटरिंग टू आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी ओके नाउ व्हाट विल बी द इकोसिस्टम देयर विल बी स्पेशल टर्मिनोलॉजीज आर देयर लेफ्टिनेंट इधर आओ मेजर इधर आओ वो सामने वाली पोस्ट को उड़ा दो इस वाली पोस्ट को ये कर दो ये कोड होते हैं इन पोस्ट इस ये हमारा ड्रेस कोड होता है यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स देयर आर सो मेनी टर्मिनोलॉजी उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी हैज इट्स ओन इकोसिस्टम तो उस इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेवरल थिंग्स बट व्हाट आर दोज थिंग्स एंड व्हाट इज द इकोसिस्टम हम उससे इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं एंड बिलीव मी गाइस हम जितना भी काम करेंगे इन क्लासेस के अंदर आपको नो नीड टू यू नो आपको कहीं पे जाके इनको क्रैम नहीं करना कहीं पे जाके आपको रटना नहीं है नथिंग डूइंग मैं आपको स्मॉल शॉर्टकट्स बताऊंगा एंड डेफिनेटली मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो मेरा पिछले 20-25 साल का जो एक्सपीरियंस है जो मैंने मतलब आई जस्ट डोंट वांट यू नो पीपल टू
आई वुड से हियर कि मैं अगर आपके टाइम का सही तरीके से प्रोफेशनली अगर यूटिलाइज करूं तो मैं आपको कितनी तेजी से आई कैन यू नो कन्वर्ट यू टू अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दैट इज माय गोल। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे सारी बातचीत कर रहा हूँ तो डेफिनेटली जितना भी मैं बताऊंगा स्लो लर्नर्स को भी मैंने दिमाग में रखते हुए सारा प्लान किया हुआ, सारा शेड्यूल। तो वी विल स्टार्ट विद द थिंग्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होता क्या कि देर आर फ्यू थिंग्स, जैसे मैंने बताया प्लैनेट्स। तो अब 9 तरह के हमारे जो है प्लैनेट्स होते हैं, देन 12 तरह की राशियां होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इन राशियों के जो लॉर्ड्स होते हैं यानी कि इन राशियों के जो स्वामी होते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं, गाइस यहाँ तक। और अब तीसरा जो एलिमेंट यहाँ पर एंटर हो जाता है वो होता है नक्षत्रास। तो 27 तरह के नक्षत्र होते हैं। तो आप छोटी छोटी चीजें भी नोट कीजिए आज, यू नो दिस इज जस्ट अ ब्रेन ओपनिंग सेशन। और अभी तक जो मैंने पिछली क्लासेस भी ली उनमें इतना मैंने तेजी से पढ़ाया नहीं है, बिकॉज आई वॉज यू नो जस्ट एक्सपेक्टिंग कि हाँ देर आर फ्यू अदर स्टूडेंट्स अबाउट टू कम। तो हम धीरे धीरे चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से एस्ट्रोलॉजी को ये बिना समझे कि इट इज अ काइंड ऑफ हाँ भाई बहुत कुछ आने वाला है, बहुत बड़ा कुछ हुआ है, नथिंग डूइंग, सिंपल वे में आगे चलेंगे। हमने अभी तीन बातें यहाँ पर समझी हैं, प्लैनेट्स होते हैं, राशिज होती हैं और नक्षत्रास होते हैं। ये हमारे इकोसिस्टम का मेजर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बात यह कि हम इनको जब तक याद नहीं रखेंगे, यू नो इनको याद करने का एक स्पेशलाइज्ड एक तरीका है। तो अगर आप राशि को याद करना चाहते हैं तो जनरली अगर मैं बोलूंगा तो मैं आपको 12 राशियां वैसे लिखवाऊंगा, आप उसको क्रैम करते रहेंगे तो दैट विल बी वेरी ट्रबलसम फॉर यू। तो इसका मैंने आपको एक छोटा सा फार्मूला बताने जा रहा हूँ कि आपको 12 राशियां क्रोनोलॉजिकली कैसे याद रखनी है। आई एम जस्ट शेयरिंग द दैट फार्मूला विद यू। तो आप पहला वर्ड नोट कीजिए, सब कुछ कैप्स में लिखना, सब कुछ कैप्स में लिखना। पहला वर्ड नोट करो मेवरीमिक, एम ई लिखिए, एम ई, एम ई कैप्स में लिखना है सब कुछ, एम ई वी आर आई एम आई के, ये एक पहला वर्ड है मेवरीमिक, इसको आप नोट कर लीजिए। तो जब भी मैं आपको कभी बोलूं जिंदगी में आपको 12 राशियां याद हैं तो आपके दिमाग में पहला वर्ड गूंज जाना चाहिए मेवरीमिक, ठीक है ना। इसी तरह से कैन यू प्लीज रिपीट वंस, हां हां, एम ई, आवाज ना थोड़ा दूर से आ रही है इसलिए थोड़ा सा क्लैरिटी में थोड़ा सा इशू हो रहा है इसलिए। जस्ट अ मिनट, मैं जरा हेडफोन यूज करता हूं, जस्ट अ मिनट, सॉरी सर। या जस्ट अ मिनट, yes guys now my voice is audible, yes it's much better now. yes it's audible. So I was just saying ke hum log the, ha pehla word humne kiya tha abhi mevrimic, m e, fir se note karte hain, m e v r i m i k, note kar lijiye isko। नेक्स्ट वर्ड नोट कीजिए, फिर मैं आपको साथ साथ ही इसको डिकोड करना बताऊंगा कि ये कैसे डिकोड होके आपका राशियों के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल वे में, ठीक है ना। तो अब आगे नोट कीजिए इसको, आप नेक्स्ट वर्ड बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। एस आई, इसका नाम है सिक्तुवर, ठीक है ना, एस आई के टी यू वी आर, सिक्तुव्र, इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे सिक्तुव्र, सिक्तुव्र, एस आई के यू टी वी आर। नाउ लेट अस गो अहेड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो अब आप नोट करोगे वो आप नोट कीजिए,
धम कू मी डी एच एम डी एच एम के यू एम आई धम कू मी। अब तीन वर्ड्स आपके पास आ गए हैं, राइट गाइज। सो वंस मोर टी एच टी एच एम सर लास्ट वाला रिपीट करेंगे प्लीज। श्योर 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 आई एम रिपीटिंग इट। लास्ट वर्ड इज क्या था धूम जस्ट मिनट डी एच एम धमकी धमकूमी धमकूमी डी एच एम के यू एम आई धमकूमी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिक्तुवर धमकूमी। दो वर्ड हो गए और सबसे पहले आया था मेवरीमिक, तो तीन वर्ड्स हो गए हैं। अब आप एक क्रोनोलॉजिकली एक अपनी कॉपी के अंदर, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि राशियाँ किस तरह से क्रोनोलॉजिकली लिखी जाती हैं, आप उसको नोट कर लीजिए एक तरफ, तो आप इस तीनों वर्ड्स को डिकोड कर पाएंगे। पहले नोट कीजिए, सबसे पहले आप लिखिए मेष राशि, मेष इज इक्वल टू एरीज, प्लीज नोट इट डाउन। अब मैं आपको 12 राशियों का क्रम बताने जा रहा हूँ, उनको क्रोनोलॉजिकली हमेशा उसी तरह से याद रखना है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर देम इन द क्रोनोलॉजिकल नंबर्स, ओके, देन यू विल बी इजीली एबल टू डू द कैलकुलेशंस, जो छोटा मोटा जो कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा। हालांकि अभी कैलकुलेशंस इतना रह नहीं गया है, बिकॉज अब सारा जो काम है वो सॉफ्टवेयर्स कर देते हैं, तो नथिंग टू वरी। सो गाइज, आपने पहली राशि नोट कर ली मेष राशि, सेकेंड राशि आएगी वृष राशि, थर्ड नंबर पे आएगी आपकी नोट कीजिए मिथुन राशि, फिर आएगी फोर्थ नंबर पे कर्क राशि। एरीज इज इक्वल सॉरी मेष इज इक्वल टू एरीज, मेष को बोलते हैं एरीज, वृष को बोलते हैं टॉरस, एंड मिथुन को बोलते हैं जेमिनी, और फोर्थ नंबर पे आता है आपका कर्क राशि यानी कि कैंसर, फिफ्थ नंबर पे आपका आएगा लियो यानी कि सिंह राशि, सिक्स नंबर पे आपका आएगा कन्या यानी कि वर्गो राशि, सेवंथ नंबर पे आपका आएगा तुला यानी कि लिब्रा, एट नंबर पे आपका आएगा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वृश्चिक इजिकल टू एट नंबर वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, नाइन नंबर पे आपका आएगा धनु राशि, और 10 नंबर पे आपका आएगा मकर कैप्रिकॉन, उसके बाद आएगा कुंभ यानी कि एक्वेरियस, और 12 नंबर पे आपका आएगा मीन इज इक्वल टू पाइसेस। तो ये आपकी 12 राशियां जो है इस तरह से टोटली बनती हैं। गाइज एनी डाउट यहां तक, अगर अभी आपको डाउट है कोई किसी तरह का, अब मैं आपको वो वर्ड्स के साथ डिकोड करने जा रहा हूँ इनको। जब आप मेवरीमिक को जब ब्रेक करते हैं, मेवरीमिक को ब्रेक करते हैं, तो पहला वर्ड जो है मे से बना मेष राशि, अब आप कनेक्ट करते जाइए वृ, सेकंड वर्ड है मेवरीमिक के अंदर वृ, तो वृ से बना वृष राशि, मी थर्ड वर्ड है मी से बना मिथुन राशि, और इसी तरह से क मेवरीमिक क, तो क बना आपका कर्क। तो दिस इज हाउ ये जो वर्ड्स हैं ये टूट के आपकी चार राशियां बन जाएंगी, हर एक वर्ड से चार राशियां निकलेंगी, राइट गाइज। एनी डाउट यहाँ तक क्लियर है, कोई किसी को क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी वन वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ब्रिलियंट है सर, ये तो बहुत बढ़िया। ओके, तो हमने बेसिकली 12 राशियों को क्रोनोलॉजिकल सिर्फ तीन वर्ड्स में कैप्चर कर लिया है, ठीक है गाइज। जस्ट अ मिनट, समबडी इज देयर, जस्ट अ मिनट। सॉरी, समबडी समवन वाज देयर,
So guys, three words are there. Now you can see my screen also. Mevrimic is the first word, as I mentioned. Then further, जो है आपका सिक्तुवर, जो second word है, third is आपका धमकुमी. तो तीन words के अंदर आपको अब सारे जिंदगी ये राशियां नहीं भूलेंगे, सिर्फ तीन words आपको याद रखने हैं. गाइज आपको एक बात आपको और बता देता हूँ, द बेस्ट पार्ट ऑफ यू नो दीज क्लासेस विल बी, अक्सर जो मेरे पास जब मतलब मेरे पास आने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहता स्टूडेंट को, बट जनरली लोग मेरे पास जब आते हैं प्रॉब्लम लेके तो ये आते हैं कि सर याद नहीं होता है, दैट इज द प्रॉब्लम. तो उसको जो शॉर्टकट्स सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो शॉर्टकट्स हैं. व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू सिट अलोंग विद माय फादर, उनके साथ बैठ के मेरे माय फादर इज डॉक्टर इन दिस फील्ड एंड आई एम आल्सो अ क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर, आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स, दो आई टीच डिजिटल मार्केटिंग एज एसोसिएट प्रोफेसर इन सेंचुरी यूनिवर्सिटी एंड आई वर्क एज अ डायरेक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. सो दिस इज एंटायर बैकग्राउंड ऑफ माइन. सो गाइज आई वॉज जस्ट सेइंग कि व्हेन आई वॉज अ किड देन यू नो आई वॉज वेरी नोटोरियस, सो आई यूज्ड टू मेक ऑल दिस फार्मूलाज, how to learn in the short phrase, and then I'll, you know, I'm just sharing those only with you. I hope it is clear, guys. Shall we go ahead with the lots of, ab hum ek aage ek naya chota sa aur sub topic open karne ja rahe hain. I need a loud yes, please give me a loud yes, guys. I need, you know, I'm investing energies, please say yes, yes sir. Yes, sir. Yes, sir. It is a good start. Good start, sir. Okay, guys, is it clear? ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं. अब बात ये आती है कि मैंने आपको, आप कहोगे सर आपने बोला था इन राशियों के तो लॉर्ड होते हैं, डेफिनेटली इन राशियों के लॉर्ड होते हैं और उनको हम बोलते हैं प्लैनेट्स, प्लैनेट्स होते हैं इनके लॉर्ड्स होते हैं, बट अब ये कैसे याद किया जाएगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब यहाँ पे आप नोट कीजिए गाइज, बड़ा ध्यान से नोट करना और मेरी स्क्रीन पे भी देखते रहना, स्क्रीन पे धीरे धीरे काम चलता रह रहा है, ठीक है ना, तो वो भी आप देखते रहना साथ में, लाइक मैं आपको जो बता रहा हूँ वो भी आप नोट करते रहना. तो मैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओपन करूंगा. आपको मैंने बताया था चौथा नंबर राशि, पांचवा नंबर राशि, ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे भी दो राशियां आती है. एक का नाम आता है करक, यानी कि कैंसर राशि इज एट नंबर फोर. दूसरी आती है फाइव नंबर, यानी कि सिंह राशि. ये मैंने आपको सबसे पहले क्यों बताया है, रीजन उसके पीछे ये है, प्लैनेट्स तो नौ है, राशियां हैं बारह, देर आर 12 यू नो राशिज एंड 9 प्लैनेट्स. तो नाउ व्हाट हैपन, हाउ डिविजन टुक प्लेस, डिविजन गोज दिस वे के जो कर्क है एंड सिंह है, यानी कि चार नंबर और पांच नंबर के पास एक एक लॉर्ड है सिर्फ. तो कर्क का जो लॉर्ड है, कर्क राशि का जो लॉर्ड है, यानी कि लॉर्ड ऑफ कैंसर इज मून, रिमेंबर दिस. तो आप पहले तो इसके सामने मून लिख लो, चार नंबर के आगे आप लोग मून लिख लीजिए, ठीक है, ये मेरी स्क्रीन पे भी चलता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है. एंड उसके बाद आप पांच नंबर के आगे लिख दो सन, तो सन और मून तो आपके गए, देवर अब नाउ, अब आपके पास कितने रह गए, सिर्फ सात प्लैनेट्स रह गए, ठीक है गाइज. तो अब उस हिसाब से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या करना है. तो नाउ गाइज विल, व्हाट विल हैपन, एवरी प्लैनेट, ओ सॉरी, एवरी यू नो प्लैनेट इज हैविंग टू राशिज, यू नो उनके, उसके पास कहते हैं ना डुअल आधिपत्य होता है. हर एक राशि जो होती है, मतलब सॉरी, हर दो राशियां जो होती हैं वो एक प्लैनेट के अंडर में आती है. अब ये नेक्स्ट रूल है, बट अब ये बड़ा यहाँ पे टेढ़ा काम है कि इसको याद कैसे करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े सिंपल वे में बताने जा रहा हूँ आपको कैसे याद करना है, हाउ यू हैव टू रिमेम्बर दिस, ठीक है ना. तो हम क्या करने जा रहे हैं अभी, हमारा टॉपिक कौन सा है, टॉपिक हमारा है लॉर्ड्स ऑफ दीज राशीज. तो चार पांच नंबर हमने कैप्चर कर लिया, फोर फिफ्थ खत्म हो गया, सन मून का गेम गया, ओवर. नाउ द पॉइंट इज दिस, नाउ वी विल सी, अब हम शुरू से चलते हैं. हमारी पहली राशि थी मेष राशि, गाइज आपको याद है, तो अब मेष के साथ कॉम्बिनेशन बना देते हैं आठ नंबर, यानी कि 18 नंबर. अब आप सिंपल एक जगह पे लिखो 18 नंबर, लिखिए 18 लिखिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए 18 नंबर, 18 नंबर के आगे लिखिए मार्स. तो मगर ये जो मैंने 18 नंबर बोला है, विच आई सेड दिस इज 18 नंबर, एक्चुअली दिस इज नॉट 18 नंबर, दिस 18 नंबर मीन्स हियर मेष एंड स्कॉर्पियो कवर्ड कैप्चर्ड, उसका लॉर्ड कौन हुआ, मार्स. तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे हाँ भाई मेष राशि का लॉर्ड कौन है, तो तुरंत 18 नंबर दिमाग में आ जाना चाहिए, 18 नंबर इज इक्वल टू मार्स, यानी कि मंगल, मार्स को बोलते हैं मंगल बेसिकली. तो मंगल की आधिपत्य में दो राशियां आ गई, 1 और 8, ठीक है गाइस. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे हम वो बोलते हैं ना 9 का टेबल होता है, 9 1 9 9 2 18 9 3 क्या 27,
ओके, तो अब 27 पे आ जाओ, 27 पे आ जाओ, 27 फिर से लिखो, 2 नंबर राशि होती है वो होती है टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि, और 7 नंबर राशि होती है यानी कि तुला राशि यानी कि लिब्रा। नाउ 27 के आगे आप डाल दो वीनस। ओके गाइस, 27 के आगे डालेंगे हम लोग वीनस। तो अब कोई आपसे कभी भी पूछ ले 7 नंबर राशि का लॉर्ड कौन है, तो तुरंत दिमाग में आएगा 27 नंबर तो भाई वीनस के पास है। तो 18 गया, 27 गया, दैट मींस मार्स इज इक्वल टू 18, वीनस इज इक्वल टू 27। नाउ हियर वी गो अहेड, 9 का टेबल बोला था ना आपको बोलने को, 9 का टेबल बोलना है, 9 3 जा 27 हो गया, अब 9 4 जा कितना होता है 36, तो यहां पे 36 डालो। यस सचिन जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या, कोई डाउट? नहीं नहीं सर, क्लियर है बिल्कुल। ओके, तो 36 डाल दो फटाफट से, 36 के आगे डाल दो मरकरी यानी कि बुध, ठीक है, बुध भी गया तो 36, यहां तक तो अपन ने 9 का टेबल कवर किया था, ठीक है ना। अब देखो बात हो रही है यहाँ पे थोड़ा सा, अब थोड़ा सा ट्रैक से हम हटेंगे, अब थोड़ा सा ट्रैक से हटेंगे। हमने बेसिकली कहाँ तक राशियां कवर कर ली, 4-5 नंबर हमने सबसे पहले कवर कर लिया था, ठीक है ना। अब एक राशि से लेके 8 राशि तक आपकी सारे नंबर कवर हो गए, 1 राशि टू 8 राशि एवरीथिंग इज कवर्ड, ऑल लॉर्ड्स आर यू नो विद अस। आपकी स्क्रीन पे इस समय आपको सारे लॉर्ड्स दिख रहे होंगे, मार्स के पास 18 नंबर, वीनस के पास 27 नंबर एंड मरकरी 36 नंबर, सन मून गया कैंसर और उसके सामने आपके आपको दिख रहा होगा। नाउ फर्दर इफ वी गो अहेड गाइस, अब यहां पर दो बड़े अलग तरह के मतलब इमेज वाले प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो सबसे मतलब अगर कह लीजिए कि अगर इमेज की बात करें तो भैया शनि जो है सैटर्न, हमारे सैटर्न का जो नंबर है ना वो आपको थोड़ा अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि शनि की जो अपनी गाइस, वैसे आपको पता नहीं होगा ये बात, लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, शनि की जो खुद की मार्केट है, इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड वाइड द पॉपुलरिटी एंड एक्सपेंसेस पीपल मेड ऑन शनि इज ऑलमोस्ट 3300 करोड़ का पूरा मतलब ये मार्केट है, मतलब आप कह सकते हैं 3300 करोड़ के बिलियन मतलब जो है दान होते हैं शनि के लिए हर साल। तो ये सारा मतलब आप सोचेंगे तो अब इमेज भी ऐसी शनि की, लोग 7.5 से भागते हैं एंड ऑल दोस। तो अब आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं आपको एक शनि के आगे अब नंबर नोट करूंगा, शनि के आगे नहीं के आगे आप जो नोट करेंगे उसके आगे लिखिए 1011 यानी कि 10-11। 10-11 मैंने आपको इसलिए लिखाया क्योंकि 10वां नंबर राशि और 11वां नंबर राशि, 10वां नंबर राशि और 11वां नंबर राशि जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो सीधा चला जाएगा शनि के पास, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है इसलिए 10-11 आ गया, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट जो हमारा बचता है केवल धनु राशि और मीन राशि बनती है, तो उसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है 912। तो बस 912 के आगे लिखना है हमने जुपिटर, ओके, एंड 10-11 इज इक्वल टू हमारा शनि यानी कि सैटर्न। तो गाइज इस तरह से हमारे ये जो राशियों के लॉर्ड है वो बड़े सिंपल वे में खत्म हो गए, एंड आई होप, मुझे उम्मीद है आप फीडबैक दीजिएगा, पता नहीं आपको अभी कितनी चीज समझ आई है, एंड बट मुझे ऐसा लगता है कि इतने सिंपल वे में आपको याद भी हो जाएगा ये साथ साथ ही। सो अब आप बोलिए कि आपके क्या डाउट्स हैं, मैं यहाँ तक अभी विराम लूंगा, अब आपके डाउट्स लेकर रहूंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज बताइए इफ यू हैव एनी डाउट्स फील फ्री टू आस्क। सर मैं उदय सिंह, मेरा डाउट ये है सर, जैसे कि हम लोगों ने पहला मेष राशि का जो लॉर्ड है मार्स हमने लिखा 18 नंबर 18 जी, ठीक है सर, तो यानी कि मैं ये समझू ये जो राशि हम लोगों ने 12 राशि जो कवर हुई है 1 का और 8 का, 8 में जो वृश्चिक, तो इन दोनों के लॉर्ड मार्स है? या डेफिनेटली वही कह रहा हूँ मैं। ओके अच्छा, यानी कि धनु जैसे कि अपन धनु का देखे जुपिटर गुरु जो है उनका लॉर्ड है, तो यानी कि धनु का और मीन राशि के लॉर्ड जो है वो गुरु डेफिनेटली यस यू आर करेक्ट। ओके सर, मैं अपना अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है यानी वो चेक करना चाह रहा था। थैंक यू, फील फ्री टू आस्क गाइस एनी क्वेश्चंस, बिकॉज हम बैठे इसलिए कि हम टाइम तो किल नहीं करना, टाइम को यूज करना है ना, बिकॉज माय बेसिक ऑब्जेक्टिव इज कि जितना यू नो एक कॉम्प्लिकेशन रखा एस्ट्रोलॉजी को लेके वैसा कुछ नहीं है। अगर आप सीरियसली सीखेंगे दिन में 3-3 घंटे मेरे साथ बैठिए, आपको 10 दिन के अंदर एस्ट्रोलॉजी में मतलब वी कैन यू नो कम्प्लीट योर बेसिक लेवल्स ऑल्सो, अगर आप तैयार है तो, मतलब हो सकता है 10-15 दिन में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर रेडी हो सकता है, और अगर कोई दुनिया में कहता है कि नहीं हो सकता तो मैं रेडी करके दिखा दूंगा आपको, मगर इतना डेडिकेशन।
Yes, guys. Any doubts? I can answer math, yaar. Thank you, Kapoor sir. Thank you. So we will work ahead. अभी आगे बढ़े यहाँ तक कोई doubts किसी तरह से कोई भी कुछ भी आप पूछना चाहें तो feel free. नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ. सर एक छोटा सा question था. जी अपेक्षा जी बताइए. सर ये जो lords होते हैं ये basically मतलब एक person जो है suppose वो Scorpio है तो उसका lord हुआ Mars. तो ये जो lord होता है वो हमें basically क्या बताता है कि क्या होता है. ये बताता है कि देखिए ये बताता है कि एक ये जो राशि है मार यानी कि वृश्चिक राशि है या मेष राशि है इसका जो स्वामित्व है स्वामित्व जो है लॉर्डशिप जो है वो मार्स को जाती है. वो जब मार्स को जाती है तो होता क्या है कि इन राशियों के अंदर जब कोई स्पेसिफिकली प्लैनेट्स एंटर होते हैं क्योंकि एक राशि में ये तो भगवान ने बैन नहीं किया हो ना किसी को. किसी भी राशि में कोई भी प्लैनेट अपने ऑर्बिट में घूमता घूमता एंटर होता है मगर जब कोई प्लैनेट किसी एक्स वाई जेड मतलब राशि में एंटर होता है तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं वही हमारी लाइफ है. दैट इज ऑल अबाउट वी ह्यूमंस आर गोइंग थ्रू. जो हमारी लाइफ के अंदर जो उतार चढ़ाव होते हैं जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं वो इसी कारण होते हैं कि कौन सी राशि के अंदर किस टाइम पे कौन सा प्लेनेट गुजरता हुआ निकल रहा है और वो हमारी ह्यूमन लाइफ को किस तरह से टच करता हुआ निकलता है. सो दैट इज द आस्पेक्ट बिकॉज ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये सारा कुछ एंड ऑफ द डे तो ये हमसे कनेक्ट होता है ना ह्यूमैनिटी से. मतलब अगर एस्ट्रोलॉजी का माइनकाइंड को कोई यूज नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का ही कोई बट बहुत यूज है बिकॉज इफ यू सी ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज द टूल. हम अक्सर बोलते हैं अगर आप मेरे से सिंपल पूछे सिंपल भाषा में वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी तो आई वुड से इट इज अ टूल जस्ट टू जज द टाइम वेदर time is auspicious for us or not. बड़े simple way में अगर auspicious time है तो आप कुछ जो positive जो आप events को put on करने जा रहे हैं आप confidently put on कर सकते हैं. time auspicious नहीं है तो you have to stop and wait for the right time. so that is called you know ये life events होते हैं तो वो थोड़ा उसको support मिल जाता है. और ऐसा कुछ नहीं है कोई ये astrology black magic है कुछ और है. simple way में एक science है आपको insight देता है बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जिस जगह पे आप पैदा होते हैं उसके बेस पे सारा जो है रेज जो आती है हमारी उससे रिलेटेड जो है सारी कैलकुलेशंस होती हैं तो वो उन चार्ट्स के अंदर सम्मिलित होती हैं. दोज आर पार्ट ऑफ दोज चार्ट्स जो हम आगे पढ़ेंगे. पर बिलीव मी ये बड़ी बड़ी बातें शब्द एक्चुअली ऐसे ही यूज होते हैं एस्ट्रोलॉजी में पर हम सिंपल रखेंगे. आप किसी भी चीज़ को लेके ना एक तो ये निकाल दीजिए कि एस्ट्रोलॉजी इज कॉम्प्लेक्स. नो इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स. इट इज़ वेरी सिंपल. छोटे छोटे फार्मूले इम्प्लीमेंट करते जाओ और जो जितने जितने आपको बेबी स्टेप्स में आई एम टेलिंग यू जस्ट इम्प्लीमेंट दोज बेबी स्टेप्स. आप 10 से 15 दिन के अंदर उस लेवल पे आ जाओगे आप जहाँ पे मेरे सामने बैठोगे सर ये कुंडली है इसमें ये उच्च का ग्रह है ये नीच का ग्रह है ये इस राशि से जा रहा है और इस राशि पे जाने के सर क्या इम्पैक्ट होने चाहिए तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि ये आप बताइए. ठीक है ना. मगर आप इस लेवल पे आ जाओगे गाइज समझ रहे हैं आप. बट छोटे छोटे स्टेप्स को आप इम्प्लीमेंट कीजिए ज्यादा मतलब टीडियस नहीं है काम. गाइस यहां तक तो क्लियर है. लेट अस गो अहेड आगे बढ़े थोड़ा सा. सर मेरा एक छोटा सा सवाल है सर. जी बताइए. सर यहां पे जब हम लोग ये एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं टाइम एक्यूरेसी प्लेस अ वेरी वाइटल रोल राइट. आई मीन टाइम एक्यूरेट होना चाहिए बर्थ टाइम की जो मैं बात कर रहा हूं. डेफिनेटली होना चाहिए. एक्यूरेट होना चाहिए. वो एक्यूरेट होता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं होता तो उसमें ये होता है कि मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का भी कई लोग आते हैं हमारे पास. ऐसे केसेस आते हैं एक्चुअली कहते हैं जी 10 मिनट ऊपर है 15 मिनट नीचे है हमारे को कच्चा पक्का पता है 10 इससे 15 से लेकर 30-45 के बीच में पैदा हुआ तो कुछ भी. तो उस जो पेंडुलम्स होते हैं उसमें ये होता है कि वो जो इंटरवल्स के अंदर जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं ना तो हमारे प्रिडिक्शन उसको इतना तो पता है कि इस आधे घंटे में बच्चा पैदा हुआ है मगर हमारे प्रिडिक्शन जो है 15 दिन 20 दिन महीना डेढ़ महीने तक कई बार 45 डेज तक की उसमें वेरिएशन आ जाती है. जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है अगर कोई आपको बोल रहा है आधे घंटे के ब्रैकेट में तो 45 दिन का पकड़ के चलो आपकी भविष्यवाणी जो है या उस इवेंट को जिसको आप प्रिडिक्ट करना जा रहे हो वो ऊपर नीचे होगा वो आप एग्जैक्टली नहीं कर पाओगे. दैट इज द थिंग. तो दिस इज हाउ. और हर जो ये अगर आप पूछोगे कब कब चेंज होता है तो हर 2.25 घंटे के अंदर जो है ना ये कस्प चेंज होते हैं हर 2.25 घंटे. तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो हर 2.25 घंटे में कस्प बदलता है.
तो वो अलग चीज है, कस्प एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में देखेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं होना। बिल्कुल सही सर, राइट। क्योंकि सर कभी कभी ये होता है ना, हम मम्मी लोगों को पूछते हैं कभी कभी हम हमारा कुंडली जानने के लिए, तो मम्मी लोग बोल देते हैं कि भाई उस टाइम पे तो होश होश नहीं था, यही टाइप पे हुए थे, तो टाइम प्लेस अ वाइटल रोल, तो कभी कभी हमको लगता है करेक्ट टाइम होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, नहीं तो फिर इवेंट्स फ्लक्चुएट होंगे, इवेंट्स फ्लक्चुएट पक्का होंगे फॉर श्योर। चलिए गाइस आगे बढ़े हम लोग, शैल वी गो अहेड? श्योर श्योर, यस सर। ओके, तो आई हैव अ डाउट। यस यस प्लीज सर। एक्चुअली आई एम ए केरलाइट, इज देयर एनी डिफरेंसेस देयर इन केरला एस्ट्रोलॉजी एंड नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी? एक्चुअली द प्रैक्टिस व्हिच इज डन इन द साउथ व्हिच इज कॉल्ड बेसिकली कृष्णमूर्ति पद्धति। ओके सर। And Krishnamurti Paddhati is entirely different from Indian ancient astrology. Their principles are different. On in Krishna Paddhati system, the system actually, they are having entirely different system of calculations. Okay. And they will ask you to, you know, there is a system. First, they will ask you, let's, you know, choose a number from 0 to 250. Then once you will choose the number, then based on that number, they have a proper principles. There is a scripture is there. Based on that scripture, based on that number, they will pick the lagna and then they will put the planet, transitory planet in that. So it is entirely different thing. Okay, but it is a tool. It is one of the tool which helps. The case which Uday Singh Ji was saying, sometime there is an event which is very urgent or important. Sometimes if you ask me, okay, sir, there is an operation going to happen of my brother, for example, it will take place after 4 hours. What should I do? I don't have any date or time place. Then we use Krishnamurti Paddhati. But generally, okay, if you have date or time place, then we will use, you know, our Indian ancient astrology system. That means we have to find out the Lagna chart first. And then based on those Lagna chart, there are 16 divisional charts are there. Okay. But the story is later, sab kuch, you know, abhi, agar abhi bolunga to aap confuse honge. So not to get confused, baby steps mein, dhire 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 dhire, okay guys, baby steps mein chalenge. So, okay, sir. Shall we go ahead with the further topic? Yes, sir. चलिए मैं अभी आपको एक चीज और इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, हालांकि अभी तक मैंने नई क्लास के अंदर ये इंट्रोड्यूस नहीं की थी। हाँ, उनको थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था, सिंस जोगा सिंह जी इज देयर, ही इज फ्रॉम द फर्स्ट क्लास, ही इज विद अस, ही इज हियर फॉर रिवीजन आल्सो, सो थैंक्स जोगा सिंह जी फॉर एनकरेजिंग मी। एंड मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि एलिमेंट्स को अब कैसे याद रखा जाए। एलिमेंट्स मैंने आपको पहले राशि बताई, राशि के बेस पे प्लैनेट यानी कि उनके लॉर्ड्स बताए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट को कैसे याद रखें। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो 12 राशियां लिखी हुई हैं आपके सामने, मेरी स्क्रीन पे भी, और आपने भी लिखी हुई है अपने सामने, ऑल ऑफ यू हैव रिटन ऑल द 12 राशिज। ओके गाइस, तो अब आप क्या कीजिए, जो पहली राशि है, पहली राशि के सामने लिखिए अ, सिर्फ लिखिए हिंदी का अ। सेकंड राशि के सामने लिखिए प्र, यानी कि पृथ्वी का प्री, पृथ्वी प्री। सेकंड राशि यानी वृष राशि के सामने लिखना है प्री। अब थर्ड राशि के सामने आप लिखो वा, हिंदी वाला वा, व के आगे आ की मात्रा वा। और चौथी राशि यानी कि कर्क राशि के सामने आप लिख दो ज, यानी कि जग से, जे यू जी, जो जे यू जी वाला आपका जग बनता है वो वाला ज, नोट कर लीजिए। अब आपका फार्मूला यहाँ पे बन के आएगा, फार्मूला बनेगा अभी, अभी इट इज जस्ट, ये तो स्ट्रक्चर है हल्का सा, ये फार्मूला आपका बना अप्रिवाज, देख रहे हैं आप। अब अप्रिवाज का मतलब क्या है, अग्नि पृथ्वी वायु जल। ओके गाइस, अब एक काम करो, अप्रिवाज को नीचे दो बार एज इट इज लिख दो, सारी राशियों के तत्व वही है। अप्रिवाज के सामने के नीचे पांचवी राशि के सामने फिर से लिखो अ, छठी पे लिखो प्री, सातवीं पे लिखो वा, और आठवीं पे लिख दो ज। तो अप्रिवाज फिर से रिपीट कर दिया, और फिर तीसरी बार फिर से रिपीट कर दो। तो अब आपसे कोई भी लॉर्ड्स पूछ रहे ना कभी कि हाँ भाई इस राशि का लॉर्ड क्या है, तुरंत अप्रिवाज फार्मूला लगा दो नीचे तक। अप्रिवाज पहले ऊपर लगाया, फिर पांचवी राशि से फिर लगाया, और फिर नौवीं राशि से फिर लगा दिया। तो अप्रिवाज जो है आपका फार्मूला बन गया अप्रिवाज। सारी जिंदगी नहीं बोलोगे आप,
जब भी एलिमेंट्स की बात होगी अप्रिवाज लगा दिया, खत्म बात है, 12 राशियों के सामने फिट कर दो, यहाँ सारी जिंदगी रहेगा अप्रिवाज। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये हुआ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आपके एलिमेंट्स कवर हो गए, सिंपल। तो अब ये लोग यहाँ पे मतलब कहते हैं फ्रस्ट्रेट होते हैं जनरली, जब व्हेन दे ओपन द बुक परेशान हो जाते हैं कि अरे भाई ये इनके लॉर्ड भी हैं, अभी तो इनका बहुत कुछ और भी है राशियों का जो मैं आपको बताऊंगा, इनके घर भी हैं, ठीक है ना, इनके नैसर्गिक लॉर्ड भी हैं, इनके जो दूसरी तरह से अगर आप देखेंगे तो इनके आस्पेक्ट्स भी हैं, आस्पेक्ट्स यानी कि दृष्टि संबंध भी होते हैं, तो वो इनका बहुत कुछ है आगे पीछे, मगर हमें वो देखना है जो हमारे काम का है। तो गाइज अभी सिंपल वे में बताइए, आपको एलिमेंट्स क्लियर हो गए या नहीं हुए अप्रिवाज फार्मूले से? हो गए सिंपल, है ना, क्लियर सर, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही याद रखिए। अभी तक जो आपसे पहले वाली जो क्लास के लोग हैं उनको इतना ही करवाया गया है, और मेरे को लगता है कि मैंने उनको कुछ एक्सरसाइज भी दी। अच्छा एक कंसेप्ट और छोटा सा बता दूं, चलो तो बता ही देता हूँ, कर लो नोट बैठे हैं तो। क्या है अभी टाइम, आप लोगों को किसी को जल्दी तो नहीं भाई, बता दो ना। ये क्लास में नहीं बताया था, मगर जब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ था जिस दिन, हाँ उस दिन बताया था, यस यस बताया था हमें, यस यस अप्रिवाज बताया था जिस दिन, हाँ इंट्रोड्यूस किया था उस दिन बताया था, फर्स्ट डे, राइट राइट। क्लास में एक बार फिर से बता दूंगा जोगा सिंह जी, एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। सो गाइज आगे चले, यस सर, एक छोटी सी चीज और ले लेते हैं आज की क्लास को, उसके बाद विराम देंगे फिर, ठीक है ना। अब देखिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट सी चीज आ जाती है यहाँ पर। एक अक्सर हम बोलते हैं कि यार मेरी कुंडली में शनि नीच का है, मेरी कुंडली में शुक्र उच्च का है, कोई कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि यार इसके तो मुझे लगता है कि फला फला ग्रह उच्च का होगा तभी ये ऐश कर रहा है, मतलब ऐसा बोला जाता है ना, उच्च और नीच जनरली। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट उच्च और नीच, तो होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये ग्रह हैं, ये ऑर्बिट पे घूमते रहते हैं, जब ये घूमते हैं तो ये हर एक राशि में से विचरण करते हुए निकलते हैं, ठीक है ना। तब जब ये जिस, अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिए गाइस, एज एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, हमारा जो जोडियक होता है वो 360 डिग्री का होता है, हमारी राशियां जो होती है 12 होती है, तो 30 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, ईच राशि हैज द पावर ऑफ 30 डिग्रीज, ये नोट कर लीजिए, 30 डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, 12 36 360 डिग्री, 12 राशि 30 डिग्री, ईच राशि को पावर आ जाता है, उसको नोट करके बस अभी इतना ही रखो, इसको कॉन्सेप्ट को अभी उलझाना मत, जस्ट कीप इट विद यू, जस्ट एज एस्ट्रोलॉजी यू शुड नो, कोई आपसे पूछ ले भाई ग्रह कहाँ घूमते हैं, हम यही ना बोल पाएंगे जी जोडियक में ऑर्बिट के ऊपर घूमते हैं जी, वो बताना है और कैसे क्या होता है, तो क्या डिग्री विग्री, बिकॉज अभी सॉफ्टवेयर्स ने हमारा काम काफी कर दिया है, तो दैट इज गुड, बट द पॉइंट इज दिस कि अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन ने प्रिडिक्शन करके देनी है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी को ऐसे नहीं समझना कि ये जो प्लेनेट है इसकी कोई अलग भाषा है, नहीं, इसकी वही भाषा है जिस भाषा में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। एक्चुअली जब मैं आपको इनके फीचर्स बताने स्टार्ट करूंगा ना, अब जैसे मैं अगर आपको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल कि चंद्रमा स्त्री है, आप कहोगे सर आपका दिमाग खराब है, मैं कहूँगा शुक्र एक सुंदर स्त्री है, तो आप फिर कहोगे सर आप पागल हो गए, बट एक्चुअली यही है, यू नो। फॉर एग्जाम्पल अब कोई सामने से मेजर साहब आ रहे हैं चल के, आर्मी का पर्सन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूंगा यार ये बंदे का शायद मंगल उच्च का है तभी इतनी अच्छी पोजीशन पे है, क्यों बोलूंगा, क्यों, मैं तो एज एस्ट्रोलॉजर बोल रहा हूँ, बट होता है ऐसे ही है, ठीक है ना। अब जो डॉक्टर्स होंगे उनका सूर्य अच्छा होगा, इसी तरह से जो बड़ी पोजीशन पर आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स है उनका मंगल पावरफुल होता है, इसी तरह से अब आप कहोगे सर वीनस का क्या रोल है, वीनस सुंदर स्त्री मैंने बताया, काइली जेनर देख लो फॉर एग्जाम्पल ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द इंस्टाग्रामर्स ब्लॉगर्स यूट्यूबर्स इन सब का जो है राहु और बुध वो बहुत शानदार होता है। अब अमिताभ बच्चन की कुंडली में देख लो बुध उच्च का है, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में देखोगे बुध नीच का है, तो वाणी का प्रभाव दोनों का है, उसके बल्ले का प्रभाव है और अमिताभ बच्चन साहब अपनी वाणी से रोटी खाते हैं, सीधा डिफरेंस। ये क्यों है, ये इसलिए क्योंकि बुध बुध एक एक कुंडली है बुध उच्च का, एक कुंडली है बुध नीच का है, बहुत सिंपल सी बात है। आई होप गाइज यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक छोटा सा कंसेप्ट और है, बड़े सिंपल में करोगे तो आ जाएगा समझ, ध्यान से लिखना, जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है गाइस, शुरू करते हैं। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि हमें ये कैसे याद रखना है, हाउ अ प्लेनेट इज एग्जॉल्टेड और डेबिलिएटेड। एग्जॉल्टेड का मतलब होता है प्लेनेट उच्च का, और डेबिलिएटेड का मतलब होता है प्लेनेट नीच का। यदि हम बोलते हैं कि कोई प्लेनेट उच्च का है
कोई प्लेनेट मीच का है, भाई ऐसा क्यों है, क्यों है? तो देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन, वो इसलिए है कि वो एक स्पेसिफिक राशि के अंदर जब पहुंचता है तो वहां पर वो उच्च का हो जाता है या फिर वो नीच का हो जाता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट गाइज? मगर वो राशि कौन सी है, वो कौन से पॉइंट है? तो मैंने आपको बताए थे अभी तक 9 प्लेनेट होते हैं, ठीक है ना, मगर जो मैंने सारा डिस्ट्रीब्यूशन किया है ना वो सिर्फ और सिर्फ 7 प्लेनेट्स के बीच में किया है गाइज, ठीक है ना, सिर्फ 7 प्लेनेट्स के बीच में। और गाइज ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी मेरा ये वीडियो जब सामने आ ही गया मैं आपको बता ही देता हूँ, ये जो सारे चैप्टर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए फ्री लाइब्रेरी के तौर पे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ऑलरेडी 70 चैप्टर्स में कंप्लीट करके आप लोगों के लिए एज अ फ्री वीडियो लाइब्रेरी तैयार करके छोड़ रखा हूँ चैनल पे, यू कैन विजिट। ओके, तो चैनल भी का नाम भी सेम ही है, रैप्टो वाला जीवन, और आपको लिंक भी मैं ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। तो ये पूरी लाइब्रेरी रेडी है, अभी मैं जिस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरह से ये सारे वीडियोस सब रेडी पड़ा आप लोगों के लिए, ठीक है गाइज? और वहां पर जाके उतना ही देखना मगर जितना मैं बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी नहीं, धीरे धीरे करेंगे, देन थिंग्स विल बी फाइन, इट विल बी इजी फॉर यू टू डाइजेस्ट। तो मैं अभी आपको बताना था उच्च का और नीच का, और मैंने आपको ये बताने जा रहा था कि मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है वो सिर्फ 7 प्लैनेट्स पे किया है, 2 प्लैनेट्स में नहीं किया, मैंने राहु और केतु को कोई प्लैनेट नहीं दिया, यानी कि कोई राशि नहीं दी है। क्योंकि रीजन क्या है, आप लोगों ने अमृत मंथन, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी की ज्यादा बात होगी ना, तो व्हेन वी टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी मीन्स माइथोलॉजी, लॉट ऑफ माइथोलॉजी है भैया, सब कुछ माइथोलॉजिकली कनेक्टेड है हमारा एस्ट्रोलॉजी में। हमारे जो साइंटिस्ट भी हैं, तो अगर आप देखोगे तो भृगु ऋषि ने जैसे लिखा, इस तरह से हमारे ऋषि हैं, उनका विजन था ये एस्ट्रोलॉजी। ओके गाइज, एज आई टोल्ड यू, सब कैलकुलेशन से चलता है, हर चीज की कैलकुलेशन होती है और हर चीज को कैलकुलेट किया जा सकता है, बस डिपेंड एक चीज पे करता है कि प्रेडिक्शन सही हुई या नहीं हुई, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि एस्ट्रोलॉजर को खुद को कितना जो है नॉलेज है, उसने प्रैक्टिकली कितना ग्राउंड पे काम किया, थियोरेटिकली नहीं। बुक्स पढ़ना तो आसान है, बुक्स का सर्टिफिकेट नहीं मांगता, नॉट नो सर्टिफिकेट, रियल नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज द पॉइंट। कितने हजार कुंडली देखी आपने वो मैटर करता है, कितने लाइव लोगों को गाइड किया है तो वो मैटर करता है। और अगर आप एक बार तैयार है तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म आपके लिए वेट कर रहा है, रेडी हो जाओ, प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, वहां से ऑटोमेटिकली कस्टमर्स विल फॉलो यू। तो ये यहाँ तक की बात थी, अब आप नोट करो पहला प्लेनेट। अच्छा, मैं आपको बीच में बता रहा था कि मैंने राहु केतु कुछ नहीं दिया, वो इसलिए नहीं दिया, वो बेसिकली आपने अमृत मंथन वाली कहानी तो सुनी होगी कि अमृत मंथन हुआ था तो जो है विष्णु जी जो है बेसिकली सारे देवताओं को अमृत पिला रहे थे, तो बीच में जो है राहु ने कपट करके छल करके बीच में लग गया, और वो जैसे अमृत पीने लगा तो उसकी कंप्लेंट जो थी वो चंद्रमा ने कर दी। तो कभी भी किसी भी व्यक्ति की कुंडली में जब चंद्रमा में राहु या राहु में चंद्रमा का पीरियड, सब पीरियड यानी कि विमशोत्री दशाएं होती हैं, ये मैं आपको देखना सिखाऊंगा, जब वो आती हैं तो उस आदमी की आप कह लो कि बस ये समझ लो कि राजा रंक हो जाता है, और बाकी जो आप क्या क्या बोलो शब्द, एवरीथिंग गोज यू नो टोटली, आप सोच भी नहीं सकते वो हो जाता है। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट द पीरियड्स एंड सब पीरियड्स ऑफ राहु एंड चंद्रमा, बट अभी उसकी बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, चंद्रमा ने कंप्लेंट कर दी, तब से ये चीज एनिमिसिटी होती है ये बढ़ गई, ये चंद्रमा और राहु की एनिमिसिटी है, और केतु के साथ भी इसकी खास दुश्मनी है, 36 का आंकड़ा है। देर आर ग्रुप्स इन द प्लैनेट्स आल्सो, वो आपको बाद में अभी समझाऊंगा, मैं दो तरह के ग्रुप्स होते हैं प्लैनेट्स में, वो आई विल टेल यू। तो अभी मैं आपको ये बताना था कि राहु और केतु का जो फिर विष्णु जी ने जो है धड़ काट दिया था, उसके बाद से इनको किसी राशि का यानी कि पिंड का यानी कि सेलेस्टियल बॉडी का कोई आधिपत्य नहीं मिला था, मगर ये ग्रह बन गए। ओके, दे आर पार्ट ऑफ प्लैनेट, मतलब प्लेनेटरी सिस्टम के पार्ट है राहु एंड केतु। इमेज बहुत खराब है राहु केतु की, मगर राहु केतु से भी अलग ही चीजें हैपनिंग हो रही है, जितनी भी आप इलेक्ट्रिसिटी देखते हो सब राहु की देन है पूरी पृथ्वी पे, जितना आप कंप्यूटर्स का देखते हो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सब राहु है। खैर वो बाद में बातें करेंगे। तो गाइज अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ उच्च और नीच के कंसेप्ट पे। सबसे पहले आप नंबर्स नोट करते जाओ, फटाफट से कनेक्ट हो जाओगे। जैसे कि मैं पहला नंबर बोलने जा रहा हूँ, पहले मैं सन से शुरू करता हूँ, ठीक है ना। सन यानी कि सूर्य, सूर्य के सामने आप लिखो नंबर 17, 17 नंबर। 17 नंबर मैंने इसलिए बोला कि सूर्य प्लैनेट यानी कि सन प्लैनेट जब भी आप देखेंगे हमेशा मेष राशि में उच्च का हो जाएगा और जो है सातवीं राशि में नीच का हो जाएगा। रिमेम्बर नंबर, अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सल्शन एंड डेविलेशन की। सन 17 नंबर पहली राशि में उच्च का यानी कि मेष राशि में उच्च का हो जाता है जब वहां से क्रॉस करता है,
ठीक है ना, 30 डेज के अंदर एक ऑर्बिट का चक्कर पूरा करता है सर, 30 डेज के अंदर। बाकी प्लैनेट ज्यादा करते हैं, इसी तरह जुपिटर 13 मंथ में करता है, ऐसे प्लैनेट्स का टाइम है। शनि जो है 2.5 साल में करता है पूरा ऑर्बिट का चक्कर, वो छोड़िए बाद की बातें, वो सब बताऊंगा। मेष का नंबर सॉरी सन का नंबर 17 नोट कर लीजिए। अब सन का जो बेटा है वो कौन है पता है आप में से किसी को? एनीवन नोज? बुध? नहीं, सैटर्न। शनि? सैटर्न। बुध जो है सौर मंडल का राजकुमार जरूर है, बुध जो है बहुत क्लोज है ठीक है ना सूर्य के, और बहुत प्रिय भी है सूर्य ठीक है ना, परंतु बुध का जो रियल पुत्र है वो शनि है, और उसका वो पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है, 36 का आंकड़ा है, और इसी कारण से इसका जो नंबर बनता है उल्टा कर दो 71, यानी कि सातवीं राशि में शनि जो है उच्च का हो जाता है और पहली राशि में जो है ये नीच का। गाइस क्लियर यहां तक की बातें? सर दोबारा समझाना। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, जब हम उच्च और नीच की बात कर रहे हैं मतलब मैं इसको किस तरह समझूं, उच्च यानी कि कंस्ट्रक्टिव वे और दूसरा जो है डिस्ट्रक्टिव वे, करेक्ट? डेफिनेटली यू आर राइट, नेचर विल बी डिस्ट्रक्टिव, नेचर विल बी कंस्ट्रक्टिव, इतना ही डिफरेंस है बस। तो सेवंथ सन साइन बोला आपने और या सेवंथ हाउस बोला आप? हाउसेस की तो मैंने सर अभी बात नहीं की, अभी तो मैं राशिस पे ही हूं। ठीक है जी, अभी मैं राशि हाउसेस पे आया नहीं हूं, 12 हां जी 12 हाउसेस होते हैं वो मैं बताऊंगा बाद में ठीक है ना, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कौन से 12 होते हैं, मैं किन की बात करूंगा, मगर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा आज, अभी उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर नहीं तो, बट मैं ये एक्सरसाइजेस शेयर करता रहता हूँ, मैं अभी आपको ग्रुप में कुछ एक्सरसाइजेस दूंगा जिससे आपको पता लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी लाइफ से कनेक्टेड कैसे है, फिर मैं आपके साथ कुछ चार्ट शेयर करूंगा आपको, ये एक्सरसाइज अभी मेरे को करके देनी है, मैंने अभी तक पिछले स्टूडेंट्स के भी रिजल्ट नहीं निकाले हैं, आंसर की मैं बाद में शेयर करूंगा, मैं आप लोगों को आज चार्ट शेयर करूंगा, आपको कौन से प्लैनेट एग्जॉल्टेड है कौन से डेबिलेटेड है उन चार्ट में से ढूंढ के निकालना पड़ेगा, तो वो एक्सरसाइज होगी वो आपको मिल जाएगी। ओके गाइस विल गेट दैट। तो सूर्य और शनि हो गया यहाँ तक का, क्लियर हो गया? दोबारा एक बार समझाएंगे। हाँ मैं बताने जा रहा था कि एग्जॉल्शन एंड डेबिलेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, होता क्या है कि जब जब कोई प्लैनेट किसी खास राशि से निकलता है तो उसके पास या तो बहुत जबरदस्त पावर्स आ जाती है और या फिर पावर्स जो है उसकी एकदम खत्म हो जाती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कैसे बोलूं, जैसे कि आप कहीं गए और वहां पर सब कुछ नेगेटिव चल रहा है तो एकदम आप फील करेंगे कि आपका ऑरा बिल्कुल बैठ जाएगा, कई बार किसी घर में एंटर होते हैं हमारे को ऐसा लगता है, तो एग्जैक्टली उसी तरह की सिचुएशन है आप ये समझ लीजिए। तो जब कोई स्पेसिफिकली प्लैनेट जो है किसी राशि से गुजरता है तो वेदर इट गेट्स अ पॉजिटिव पावर और वेदर इट गेट्स अ नेगेटिव पावर, तो उससे ये कंसेप्ट लिंक करता है, मगर ये हमारे को पता होना बहुत जरूरी है कि किसकी कुंडली में, अब मान लो किसी कुंडली के अंदर उसका गवर्निंग प्लैनेट इंसान का बहुत अच्छा है, उच्च का है मान लीजिए या नीच का है, मान लो किसी व्यक्ति का गवर्निंग प्लैनेट, वो मैं बताऊंगा कैसे देखते हैं गवर्निंग प्लैनेट, नीच का है तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यार इस आदमी को ज्यादा मुंह नहीं लगाना, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, लोगों को जज भी तो आपको करना पड़ता है, जिंदगी जीनी है आखिरकार, एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज इसी ले रहे हो कि यू कैन अंडरस्टैंड द पीपल एंड यू कैन गाइड देम, दैट इज द पॉइंट ना, यू शुड नो हाउ टू डिकोड द पीपल, यू आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस। तो उसके लिए आपके पास थोड़ा सा कुछ सुपर नेचुरल पावर्स, ये जो मतलब सुपर नेचुरल से मेरा मतलब ये कि जितना आप इसको जान जाएंगे ना एस्ट्रोलॉजी को, तो आप कई बार ऐसा होगा कि आप बंदे को देखते ही बोल देंगे इस बंदे का टाइप क्या है, इतना यू नो द काइंड ऑफ आपकी इसको बोलते हैं इंट्यूटिव साइन, तो इंट्यूशन जो होती है ना ये डेवलप होती है प्रैक्टिस से, ये जब आपको मैं प्रैक्टिस सेशंस में लेके जाऊंगा, जब आपके साथ मैं बैठ के कुंडली डिस्कस करूंगा तब आपको इंट्यूशन का यूज करना पड़ेगा, अच्छा इस आदमी के बारे में ये हो सकता है, फिर हम आपको बताएंगे लाइव केसेस से, लाइव के लाइव केस निकाल के, यस इस आदमी के साथ ऐसा था या नहीं था, ये था तो कौन सी एज में था, ठीक है ना, किसी का बचपन बुरा बीता है, किसी की जवानी अभी मतलब स्ट्रगल में चल रही है, किसी का बुढ़ापा स्ट्रगल में जाता है, देयर आर लॉट ऑफ फेजेस ऑफ लाइफ, क्यों मगर, तो वो वाली बात है सारी। तो गाइज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ तो मैं आपको ये कह रहा था कि 17 आपने लिखा सन का, ये उच्च का 17 का मतलब ये है सर कि मेष राशि में उच्च का हो जाता है और सातवीं यानी कि तुला राशि में नीच का हो जाता है सर, नीच का हो जाएगा, और ये सेकंड जो 71 लिखा आपने सर, ये उल्टा काम है, वो तुला राशि में उच्च का हो जाएगा, मेष राशि में नीच का हो जाएगा सर। ठीक है तो ये तो मैं आपको एक्चुअली जनरली तो आप ऐसे तो याद करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, ये तो मैं आपको अपने शॉर्टकट शेयर कर रहा हूँ ताकि spite of you know putting your brain in the book you take the ready away formulas na,
फटाफट से तैयारी कीजिए आप, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट प्लैनेट मैं लेने जा रहा हूँ आपके साथ, इसका नाम अपन रखते हैं मून। मून का बताता हूँ आपको, मून का आगे नंबर लिखो 28 का मतलब हुआ दूसरी राशि, यानी कि वृष राशि, टॉरस के अंदर उच्च का, एंड वृश्चिक राशि के अंदर यानी कि स्कॉर्पियो के अंदर नीच का हो जाएगा, ठीक है जी? अब आगे चलते हैं, मून के बाद सन हो गया, मून हो गया, सैटर्न हो गया, मरकरी पे चलते हैं। चलिए मरकरी के आगे नोट कीजिए 612, यानी कि 612 नंबर लिख दीजिए मरकरी के आगे। 612 से मेरा यहाँ पे मतलब ये है कि छठी राशि, यानी कि छठी राशि आपकी होती है कन्या राशि, कन्या राशि में उच्च का हो जाएगा, और मीन राशि यानी कि 12 राशि में, 12वीं नंबर राशि यानी कि मीन में ये डेबिलिटेटेड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है गाइस? एंड फर्दर मूव करने जा रहे हैं अब हम लोग, सैटर्न हो गया, मरकरी हो गया, इसके बाद आ जाएगा आपका राहु केतु, नोट कर लीजिए। राहु और केतु को बताता हूँ, पहले राहु लिखो फिर केतु लिखो। अब राहु और केतु को मैंने देखो वहां पे कोई भी प्लेनेट, वो कोई भी राशि नहीं दी थी, नो लॉर्डशिप हैज बीन गिवन, बिकॉज उनको लॉर्डशिप नहीं देनी है। अब लॉर्डशिप मिलती होती तो और भी कुछ अलग ही होता हिसाब किताब, मगर अभी लॉर्डशिप नहीं मिली तो भी राहु केतु ने इतना उत्पात मचा रखा है, विच यू विल अंडरस्टैंड लेटर, जब मैं आपसे थोड़े थोड़े लाल किताब को बीच में ला के रेमेडीज देना सिखाऊंगा तब आप समझेंगे। तो अभी राहु केतु को नोट कर लीजिए, राहु के सामने जरा नंबर लिख दीजिए 39। और केतु का आगे लिख दीजिए 93 उल्टा, ठीक है गाइस? राहु केतु हो गए, सिंपल वे में सलट गए, बहुत ही सिंपल तरीके से। इसके बाद हम जा रहे हैं जुपिटर पे, जुपिटर के सामने लिख दीजिए 410, और जुपिटर के नीचे लिख दीजिए आप क्या नाम है इसका, मार्स के सामने उल्टा कर दो, 104 कर दो, मार्स के आगे 104 कर दो, सिंपल। मतलब 10वीं राशि में उच्च का मार्स, 4थी राशि में नीच का, खत्म बात। तो अभी आपके हो गए 8 प्लैनेट्स हो गए, कौन सा रह गया, वीनस रह गया ना, वीनस नोट कीजिए, वीनस को भी आप उल्टा कर दो, मरकरी के उल्टा वीनस चलता है, क्या नाम है, इसके सामने लिखो आप 126, यानी कि 12वीं राशि में उच्च का, 6ठी राशि में नीच का, सिंपल। मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सारी चीजें मैंने लिख दी हैं साथ साथ, वहां से देख लो अगर कोई डाउट हो रहा है तो। ये मैंने थोड़ा सा कॉम्बो ऐसे बनाए हैं कि 410 104 याद रहेगा, 39 93 याद रहेगा आपको, 17 71 उल्टा सीधा, बाप बेटे दुश्मन है याद रहेगा, ठीक है ना? इस तरह से मून का 28 नंबर है, मून का मतलब इमेजिनेशन ही है, मून बेसिकली गिव्स यू क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। तो जिसका उच्च का होता है मून, वो लोग क्रिएटिव होते हैं, स्टोरी राइटर्स, दोस काइंड ऑफ पीपल, ठीक है ना? सोचते हैं पेंटर्स, ये मून वाला सारा मून पेंटर, पेंटिंग वेंटिंग सारा क्रिएटिविटी वहां से आता है। जो लोग बोलने में अच्छे हैं, बातचीत करने में अच्छे हैं, मरकरी उनका, या जो पूरा आपका आईटी इंडस्ट्री है, पूरा बुध ने कैप्चर कर रखा है, यू नो मरकरी ओरिएंटेड पीपल आर इन यू नो रूलिंग आईटी इंडस्ट्री। जितने फिल्म स्टार्स हैं, वीनस इज यू नो रूलिंग फिल्म इंडस्ट्री। इसी तरह से आपका जितना है, आपका ये डिफेंस हो गया, सारा डिफेंस, IAS, IPS, लॉबी, सब कुछ, ये सारा सूर्य मंगल के अंडर में आ जाता है। तो दिस इज हाउ वी विल कनेक्ट विद द थिंग्स लेटर। सो गाइज, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। आप लोग जिससे कंफ्यूज ना हो, मैं आप लोगों को एक्सरसाइज शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है? अब आप बोलिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है, क्या पूछना चाहते हैं, मैं डाउट्स लेता हूँ, बताइए। सर एक क्वेश्चन है, जी। ये तो आपने एक्सेलेशन और डेबिलेशन बता दिया, इसके अलावा अगर ये किसी और राशि में हो तो उसमें उसको कैसे जज करना है कि इसकी पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हाँ, उसको रिलेशनशिप्स बोलते हैं सर। रिलेशनशिप्स को अभी मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, रिलेशनशिप्स अभी मैंने करवाई नहीं है ना, मैं करवाऊंगा। ओके सर, हाँ ओके सर, मैं आपको अभी वो
सारा का सारा मतलब जो हर एक प्लेनेट का दूसरे प्लेनेट के साथ रिलेशनशिप क्या है, अब प्लेनेट टू प्लेनेट रिलेशनशिप है और यहाँ राशि टू प्लेनेट भी रिलेशनशिप है, वो डिपेंड करता है लॉर्ड कौन है भी, बात ये है। तो वो मैं आपको समझाऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। सर एक क्वेश्चन था जी, बोलिए सर। जैसे आपने ये सन एंड सैटर्न का बड़ा अच्छा बताया है कि बिकॉज ये एनिमी होते हैं एक दूसरे के, तो उनका उल्टा हो गया 1771, तो ऐसे मर्करी और वीनस का भी हमने देखा उल्टा हुआ है, तो बट दे आर नॉट आवर एनिमीज, नहीं है वो एनिमीज नहीं है, ये तो बस याद करने का फार्मूला है। अच्छा बस याद करना, याद करने का फार्मूला है। अभी इनका कनेक्शन ये तो दोस्त है रादर, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। वही तो, हाँ मर्करी वीनस तो फ्रेंड्स हैं। हाँ हाँ ये अच्छे दोस्त हैं। देखिए दो तरह, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं, दो तरह के ग्रुप हैं। एक ग्रुप का जो किंग यानी कि एक ग्रुप का जो लीडर है वो है शुक्राचार्य, यानी कि हमारे जो दैत्यों के देव हैं, मतलब जो शुक्राचार्य जिनकी एक आंख जो है वो इस तरह से कहानी भी है, तो वो एक ग्रुप को होल्ड करते हैं। दूसरा ग्रुप हमारा आ जाता है गुरु, यानी कि जिसको जुपिटर होल्ड करता है, ठीक है ना, जिसके जो आप ये कह लीजिए कि जो आप कह लीजिए कि देवताओं को हेड करता है। तो ये दो तरह के ग्रुप है, जिस तरह से हमारी आप पूरी नेचर, एक्चुअली ये जो सारे कंसेप्ट है ना ये नेचर से कनेक्ट होते हैं। आप कहीं पे भी देख लो डुअलिटी है, डुअलिटी अब अच्छा बुरा है, ठीक है ना। इवन तक लाइफ के अंदर बैलेंस करने के लिए हमारे को दो लेग्स मिली हैं, दो नॉस्ट्रल मिली हैं, दो आंखें मिली हैं, लेफ्ट राइट होता है, अंधेरा उजाला होता है, ये नियन एनर्जीज होती है वास्तु उसमें फेंग शुई में, ठीक है ना, ऊपर नीचे होता है, अंधेरा उजाला होता है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप इस तरह से सोचोगे तो डुअलिटी हर जगह है, डुअलिटी हर जगह है। उसी तरह से हमारे प्लैनेट्स के भी डुअलिटी है, अच्छे प्लैनेट्स हैं बुरे प्लैनेट्स हैं, मगर कौन सा प्लैनेट कौन से घर और कौन सी राशि में जाके जो रिजल्ट डिलीवर करने वाला है, हम उनसे कनेक्ट करेंगे। जब हम उनसे कनेक्ट कर जाएंगे तो हम लोगों को गाइड कर पाएंगे कि आपकी कुंडली में यहाँ पर ये प्लैनेट्स जो है इस राशि में और इस घर में पड़े, इसका ये इम्पैक्ट होता है, या फिर वो आपको प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको तुरंत देखते पता लगेगा, अच्छा आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आपका डाइवोर्स हो गया। अगर मान लो आपको कोई कहता है, अब डाइवोर्स की बात आई है, जनरल प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर सोसाइटी में, मगर क्या डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं भाई, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सेवंथ हाउस जो है वो स्पाउस का हाउस होता है, उस हाउस के अंदर कोई इस तरह का प्लैनेट पड़ा है जो नीच का है, या कोई ऐसी राशि है जहाँ पे एनिमिक प्लैनेट पड़ा है तो प्रॉब्लम हो सकती है, या मतलब देर आर few reasons, तो वो आपको धीरे 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 समझ आने लगेंगे। तो दिस इज द कनेक्टिविटी ऑफ लाइफ, एस्ट्रोलॉजी की कनेक्टिविटी जिंदगी से कैसे हुई। तो मैंने अब आपने बोला ये तो जिंदगी की प्रॉब्लम थी ना, डाइवोर्स, डाइवोर्स तो जिंदगी की प्रॉब्लम है। मैंने बोला आपने बोला डाइवोर्स हुआ, मैंने बोला ठीक है सातवा घर देखो, सातवा घर देखो देखो, क्योंकि सातवा घर स्पाउस का घर होता है, आपके लाइफ पार्टनर का घर होता है, अगर वहाँ पे डिस्टर्बेंसेज हैं, कहीं हो गया मांगलिक दोष होता है, तो 28 साल तक शादी मत करो, रुक जाओ, उसके बाद करोगे, 28 साल मांगलिक दोष कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मगर लोगों को पता नहीं होता, जल्दी शादी कर लेते हैं, फिर तलाक भी कर लेते हैं, कहीं पर एक आधा एक्सपायर भी हो जाता है बीच में, ऐसे होते हैं केसेस, तो लोग डरते हैं मांगलिक दोष से, बट अगर वही अगर नॉलेज होती तो इलाज हो जाता, ट्रीटमेंट हो जाता, ठीक है ना। तो देर आर थिंग्स, दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द एस्ट्रोलॉजी एंड इट इज कनेक्टेड टू द लाइफ। यस गाइस, एनी फर्दर क्वेश्चंस? यस सर, मेरा क्वेश्चन है जी, बोलिए। सर आपने जैसे ये सारे उच्च और नीच के ग्रह बताए हैं, इसमें दो राशि सिंह और कुंभनी है, तो इसमें ये कोई उसमें नहीं आते प्लैनेट्स में? मतलब कैसे मैंने नहीं बताया सिंह और कुंभ? सर मुझे पता नहीं लगा, जैसे मैंने जैसे सपोज सर हम सन लेते हैं सूर्य, उसमें हम ये कहते हैं कि फर्स्ट अगर वो मेष में उच्च का हुआ तुला में नीच का हुआ, ठीक है सर? तो सर सिंह राशि किसी में नहीं आएगी जिसमें, मतलब सपोज जैसे हम ये कहें कि सिंह राशि अगर सन होगा तो उच्च का होगा नीच का होगा, इस तरह सिंह या कुंभ नहीं होता कहीं? मैम एक्चुअली देखिए उनका उनको यूज किया गया है, जैसे कि अगर आप जुपिटर के केस में देखोगे तो जुपिटर में 10वें नंबर पे जो है 10वें नंबर पे जुपिटर नीच का हो जाता है, इसी तरह से मार्स जो है 10वें नंबर में, आपने उसकी बात करी ना मकर की और कुंभ की, नहीं सर देखिए ना मैम सन सन के आगे क्या लिखा है, सिंह का लॉर्ड कौन है, सन है, सन उच्च का नीच का है ना मैम, पहली और सातवीं राशि में, इट इज देयर। नहीं सर मैं नहीं पूछ रही हूँ, मैं एक्चुअली मैं ये पूछ रही हूँ, शायद मेरा क्वेश्चन गलत है, पता नहीं मुझे बोलना नहीं आ रहा सही ढंग से, मैं ये सपोज सिंह राशि है तो उसके जो लॉर्ड है वो सूर्य है,
तो सिंह राशि में सूर्य उच्च का होगा? नहीं, सिंह राशि में तो वो सिर्फ अपनी राशि में सूर्य, उसको बोलते हैं कि जो प्लेनेट है वो अपनी राशि से ही होके निकल रहा है, बस इतना बोला जाता है। मगर उसमें जो है उसके पास आप ये कह लीजिए कि कुछ स्पेशल पावर्स आएंगी, वैसा कुछ नहीं होगा मैम, क्योंकि ये उच्च और नीच का कंसेप्ट जो है ये एंटायरली नक्षत्र बेस्ड कंसेप्ट है, और वो मैं अभी आपको अभी बताऊंगा नहीं इस पॉइंट पे, क्योंकि वो सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, सब लोग कंफ्यूज जाएंगे। अभी आप सिर्फ नंबर्स याद रख लीजिए एक बार, अभी एट दिस पॉइंट, अभी एट दिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कंसेप्ट को ग्रैब कर लो बस, अभी कंफ्यूजन का टाइम नहीं है। जब हम उलझेंगे ना तो आपको घंटों घंटों लग जाएंगे एक एक कुंडली में, आप एक कुंडली को कहीं पर कहीं कहीं दिनों तक देखोगे तो आपको कहीं कहीं गहरी चीजें निकल के आएंगी, वो बहुत सारा इन डेप्थ होता है काम, पर अभी उसमें अभी नहीं जाएंगे मैम, लेट द राइट टाइम कम। ओके, या एसके जी पूछ रहे हैं, प्रतिभा जी पूछ रहे हैं, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। यस यस प्लीज। मेरा क्वेश्चन बस ये था कि वो एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन में, जैसे आई थिंक आई मीन वो भी वही पूछ रही थी कि वो एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन में जो 5 और 11 पे राशि है वो नहीं अफेक्ट होता है क्या इससे? नहीं नहीं, वो नहीं होता, ठीक, वही पूछना था बस। जी जी मैम, नहीं वो नहीं होता। एनीथिंग एल्स? सर, इज इट ऑलवेज नेसेसरी कि जो मतलब नीच का है वो हमेशा बुरा ही अफेक्ट देगा, या अच्छा कभी नहीं हो सकता जो नीच वाला होता है? वो ऐसा होता है कि कई बार जो है नीच का कैंसिलेशन भी होता है, इसमें पहली सिचुएशन ये आती है, दूसरी सिचुएशन ये भी आती है कि नीच के जो ग्रह होते हैं ना मैडम, वो अगर मतलब नीच के ना, नीच से मेरा मतलब यहाँ पर आप ऐसे समझ लो जो कि अच्छा नेचर बुरा नेचर समझ लो, तो हमारी कुंडली के अंदर हाउसेज होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, तो 6, 8 और 12, जब नीच का ग्रह 6, 8 और 12 घर में बैठता है ना, कोई सा भी नीच का ग्रह हो, वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अमिताभ बच्चन है, उनके 6, 8 घर में जो है नीच के प्लैनेट्स जो है उन्होंने ज़बरदस्त रिजल्ट दे रखा है। या फिर शत्रु क्षेत्रीय एक वर्ड यूज़ होता है, शत्रु क्षेत्रीय से मतलब ये है कि जब कोई प्लैनेट अपने दुश्मन की राशि में जाके स्थित हो जाता है तो, बट अभी मैडम वो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, उसको समझ लेंगे, बट अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है, हाँ रिजल्ट देता है नीच का जो ग्रह है वो कई बार अच्छे रिजल्ट देता है, समटाइम्स इट गिव्स गुड रिजल्ट आल्सो, ठीक है मैम? ओके ओके, थैंक यू सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। बोलिए सर। बेसिकली एक इंसान की कुंडली जब वो पैदा होता है उस समय की बनती है, और वही जो है थ्रू लाइफ लॉन्ग हम लोग देखते हैं, मगर सर जिस तरह समय बदलता जा रहा है तो प्लैनेटरी चेंजेस भी होते हैं, क्यों हम उसी चीज को बेस मान के लाइफ लॉन्ग मतलब कुंडली पे ही मतलब बेस लेते हैं सर? नहीं एक्चुअली हम ये आपको मतलब कुंडली तो वो रहती है, यू आर राइट, बट कुंडली के अंदर जो हर एक समय को जज करने का जो टूल होता है ना, वो कुंडली नहीं होती, उसको तो लगन चार्ट बोलते हैं, वो तो सारी जिंदगी एक ही रहेगा, ठीक है ना, लगन चार्ट, नवमांश चार्ट, दशमांश चार्ट, 16 तरह के चार्ट हैं, वो तो एक ही रहेंगे। मगर जो इस समय एट दिस पॉइंट, मान लो जुपिटर कौन सी राशि में घूम रहा है, सूर्य कौन सी राशि में घूम रहा है, सूर्य हर 30 दिन में अपनी राशि बदलता है, 45 दिन में मंगल बदलता है, तो ये जो प्लैनेट इस समय कौन सी राशि में चल रहे हैं उसको बोलते हैं गोचर, गोचर यानी कि ट्रांजिट, तो ट्रांजिट में वो प्लैनेट कहाँ चल रहा है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशंस करते हैं, और उन कैलकुलेशंस को हम विमशोत्री दशा से लिंक करके फिर देखते हैं, तब हमारे को जो है इसको बोलते हैं हॉररी एस्ट्रोलॉजी, यानी कि फलित निकल के आता है, यानी कि प्रिडिक्शन तब निकल के आती है, तो वो अलग चीज है, वो आपके पास गलत कंसेप्शन है कि हम सारी जिंदगी उसी कुंडली को देखते हैं, नहीं नहीं वो तो बेस है, वो तो बेस है, उसके बाद कभी कभी होता है ना सर, मान लीजिए अगर किसी के आजकल के जो कॉमन सी पॉइंट चल रही है, आप कहीं पे भी जो है मैरिटल रिलेशनशिप्स की बात अगर हम देखें, हर एक घर को छोड़ के एक घर में कहीं ना कहीं सर्टेनली यू नो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं तो मतलब कुंडली देखे अच्छा प्रॉब्लम यही है, क्योंकि यू नो आपका 7th हाउस जैसे कि आपने अपने कन्वर्सेशन में बोला था नेपट्यून यहाँ पे मतलब ठीक नहीं है, इसी वजह से जो है ये चीजें आ रही है करके, पर कहीं कहीं बार मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 30 इयर्स के बाद भी मतलब उनका मैरिज हुआ हो, जो भी हो, लो मांगलिक भी हो, फिर भी जो है देयर वर सीन अ डिस्टरबेंसेस, ऑफ कोर्स यू नो वी माइट लर्न एज वी गो फर्दर,
मगर वही है सर, मैं यही सोचता हूँ मतलब क्यों हम लोग जो टाइम बीत गया उसी को बेस मान के अभी मतलब हम उसका रिजल्ट निकालते हैं आज। वो आपके पास वो जो परसेप्शन है वो गलत है। ये जब हम एडवांस एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब आप अगर फर्दर आगे जाएंगे तो इसमें ट्रांजिट का और विंशोत्तरी दशा का मेजर रोल होगा, उसको हम टूल बना के फिर आगे की कैलकुलेशंस करते हैं। बेस कुंडली विल बी सेम, बेस कुंडली ओनली गिव्स द आइडिया फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड योर लाइफ, दैट्स इट, फ्रॉम वेयर यू हैव स्टार्टेड एंड फ्रॉम लाइक वेयर यू विल बी। वो भी वो एक रेप्लिका जरूर देती है मगर बीच में उतार चढ़ाव तो रहेंगे ना, तो वो हम देखते हैं। सर सर एक और सवाल सर, जैसे कि अभी एस्ट्रोलॉजी की कुंडली हो गई वो ही ना हो कि कभी कभी ना हम लोग मतलब ये अक्सर सुनने को मिलता है कि शायद मतलब यू नो पिछले जन्म में कुछ यू नो आधा अधूरा रह गया था, बहुत बार पिछले जन्म से भी कंपैरिजन होता है सर, ये कहाँ तक मतलब सही है जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं? बोला जाता है कि दो तरह के हमारे कर्म होते हैं, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। वो एक तरह का थ्योरी है, ठीक है ना, दिस इज अ थ्योरेटिकली, दिस इज अ कंसेप्ट जो कि दिया गया है, बट कहीं ना कहीं ये जो सारे कंसेप्ट हैं ये सिर्फ मोरालिटी के अराउंड है। मोरालिटी से मतलब ये है कि जो इंसान गलत काम कर रहा है कम से कम उसको इसी से डरा दो कि भाई तूने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए अब तो अच्छे कर ले, दैट इज द ओनली थिंग, और कुछ नहीं है इसका। ऐसा साइंटिफिकली कोई रिलेशनशिप नहीं है। इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बींग यू नो बेसिकली इफ यू आर अ गुड ह्यूमन बींग यू विल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस यू नो ह्यूमन वैल्यूज एंड यू विल बी वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द संस्कारस ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो एंड somehow your background, जहाँ पैदा हुए वो तो मैटर करेगा, वो तो जुड़ी हुई है, उसको औकात बोलते हैं हमारे, मतलब आप बुरा शब्द मत लीजिएगा इसको। हाँ बड़ी, बट मैं यहीं से ओरिजिनेट हूँ, यस, ठीक है ना। अब कोई अगर मान लो कह लो कि लंदन की रॉयल शिप में मतलब वहाँ पे जाके अगर उधर पैदा होते हैं, कोई डायना के घर पैदा होता है, कुछ भी होता है, कोई रॉयल फैमिली से पैदा होते हैं, तो ठीक है, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम देयर। शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान के घर से अपनी लाइफ ओरिजिनेट करेगा, वो उसका है। अपन को अपना देखना है, अपन यहाँ से शुरू किया, अपन कहाँ जाने वाले, दैट यू नो वो पैदा होना आपके हाथ में नहीं था मगर अब आप कहाँ पहुँचोगे ये आपके हाथ में। और दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेशनल साइंस, ये पूरी मोटिवेशनल साइंस है। अगर आप इसको इंट्यूशन के साथ लिंक कर दोगे मार्वलस रिजल्ट्स मिलते हैं, आप इससे लोगों का भी बहुत उनको गाइड कर सकते हैं एज वेल एज आपको अपनी लाइफ का भी एक इंसाइट रहता है कि हाँ क्या कम मेरे साथ होने वाला। आपको क्या लग रहा है एस्ट्रोलॉजर के साथ बुरा नहीं होता क्या? फेजेस सबकी लाइफ में होते हैं, हम भी गुजरे हैं फेजेस से तभी यहाँ तक पहुँचे, तो वो तो पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, तो नथिंग टू वरी। एस्ट्रोलॉजर्स की भी बहुत लगती है भाई साहब, समझे ना, नहीं बचते, तब भी लगती है। हाँ, गॉड इज फेयर टू ऑल, ठीक है ना, कई बार एस्ट्रोलॉजर्स की बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। तो ये मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, कोई देयर इज नो थंब एंड थंब रूल के हाँ हम टैरोट कार्ड रीडर तो नहीं पर्सन हूँ, आई एम टॉकिंग टू एंजल्स, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, नहीं भाई, सबके लिए बराबर है, जो बोगे वो काटोगे, दैट्स इट। और बताइए जी, तो शैल वी टेक द लीड? सर बिफोर वी एंड आई जस्ट हैड अ रिक्वेस्ट, एवरीबॉडी प्लीज वंस कैन यू स्विच ऑन योर कैमरा, आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी, बड़े सिंपल वे में मैंने चीज़ों को आपको मतलब आई ट्राई टू रीच टू यू पीपल। इफ़ यू स्टिल हैव डाउट्स फील फ्री टू यू नो इंटरेक्ट विद द कम्युनिटी, कम्युनिटी इज फॉर यू पीपल, यू नो कम्युनिटी गिव्स अस स्ट्रेंथ, वी आर अलाइक, वी ऑल आर लाइक माइंड्स, यू नो एज यू कैन सी द नेम ऑल्सो, वी ऑल आर लाइक माइंड्स, सो बेस्ड ऑन दैट ओनली यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, वी आर अ स्ट्रेंथ टुगेदर, ओके गाइज। सो अकॉर्डिंगली लर्निंग इज द गोल एंड लर्निंग विद द अर्निंग, या फिर इसको बोलते हमने नाम इसका रखा है लर्न अर्न एंड डेवलप, तो वो इसीलिए रखा है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यू नो वी आर प्रोग्रेसिंग ऑल्सो, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं ग्रुप में लिखिए, मेरे तरफ से एक्सरसाइज आपको आती जाएंगी। अब आपको तो मैंने आपको होमवर्क देना है, ठीक है ना, अगले संडे तक होमवर्क फिनिश कीजिएगा, सैटरडे नाइट 12 बजे के अराउंड में वो रिलीज करूँगा उसके आंसर की, जो आपने फाइंड आउट कर रहे हैं एग्जॉल्टेड एंड डेविलेशन, 7 चार्ट्स दूंगा एक्सरसाइज के लिए, उनको फॉलो कर लीजिएगा, वो मतलब करने हैं आपको, सॉल्व करके ग्रुप में यस डाल देना, यस आई हैव डन, तो वो मैं दूंगा।
प्लस आपको कुछ चार्ट्स दूंगा जिससे आप समझ पाए कि हाउ एस्ट्रोलॉजी इज कनेक्टेड टू द लाइफ. देर आर 12 हाउसेज फर्दर, अभी हमारे स्टडी में वो आएंगे, अब उनको करेंगे, ठीक है ना. उच्च नीच एलिमेंट्स, बेसिक लॉर्डशिप्स, आपको मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया जो पिछली पूरी क्लासेस में हमने किया था, बल्कि पिछली क्लास से थोड़ा ज्यादा ही बता दिया उनको. अपरिवाज अभी बताना था, फार्मूला आपको जल्दी बता दिया. तो ये सारी चीजें हैं गाइज. एंड अगर स्टिल अभी एक छोटी सी अनाउंसमेंट अभी मैं आपको और बता देता हूँ, हालांकि मैं करूंगा मतलब इन द सेंस के फाइनली संडे को करूंगा, बट अभी इसकी अभी भूमिका बन रही है. वी आर थ्रू बिकॉज लॉट ऑफ यू नो, जैसे अभी कपूर साहब ने इंटरेस्ट शो किया, देर आर लॉट ऑफ पीपल वो दे आर सेइंग के हमारे को ना थोड़ा तेजी से पढ़ा दो सर. तो कहीं देर आर यू नो डिफरेंट टाइप ऑफ लर्नर्स, तो अगर वो चीज के लिए अभी आई एम प्लानिंग शॉर्ट कैप्सूल 21 आवर्स का एक पूरा कोर्स 10 डेज का मैं रेडी कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग ऑन इट, दो तीन दिन में हो जाएगा, अनाउंसमेंट में देने वाला हूँ. तो उससे ये होगा कि उसके अंदर आपको 7 मॉड्यूल्स रहेंगे, 7 टेस्ट होंगे, उसके बाद आपको हम सीधा उस लेवल पे इंट्रोड्यूस कर पाएंगे जहाँ पर आप एक कुंडली खोल के अपने एक क्लाइंट के साथ बातचीत कर सकेंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझ सकेंगे, उसको एटलीस्ट आप उसकी बेसिक जो है ना, उसकी जो थ्रस्ट एरिया अपने क्लाइंट की वो समझ सकेंगे. और उसमें आपको एक हमने क्या किया हुआ है, एक मेंटरशिप है. देयर आर यू नो लॉट ऑफ माय स्टूडेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग आल्सो. तब वो क्या होता है, किसी किसी केस में फंस जाते हैं कि सर इस कुंडली में ये आना है, इसमें इसका ये क्वेश्चन है. तो ये उस केस में क्या होता है कि यू नो जहाँ पे भी आप लोग अगर कहीं किसी भी कारण स्टक ऑफ है, तो आई एम देयर टू हेल्प. कम्युनिटी का बेसिकली और फायदा भी क्या है, ठीक है ना. हम लोग कहीं फंसे तो यू पीपल शुड बी यू नो वेरी कॉन्फिडेंट, कोई टेंशन नहीं है, डॉक्टर भाटिया बैठे पीछे अपने आप देख लेंगे. आप बस कॉन्फिडेंटली जाके ट्राई टू हेल्प द पीपल, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव. तो वो अभी कोर्स मैं अभी प्लान कर रहा हूँ फॉर द यू नो क्विक लर्नर्स, जिनको लग रहा है कि हाँ हमें फटाफट से करना है. तो वी आर प्लानिंग दैट विद 7 मॉड्यूल्स, और 10 दिन का पूरा कोर्स होगा रॉबस्ट. डेली 3 आवर्स क्लास होंगी, और आफ्टर 21 आवर्स यू विल बी यू नो फुल्ली प्रिपेयर्ड टू टेक अप विद यू नो सेशंस विद द क्लाइंट्स. तो जस्ट लेट मी सी कि मैं उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी देख लूँ. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लोग कर भी पाएं. तो अभी थ्रू माई टेस्ट एंड ट्रायल्स, तो देन आई विल अनाउंस इट ऑन संडे. अगर वो हो जाता है वर्चुअली वर्कआउट, देन वी विल डू, अदरवाइज थोड़े आवर्स और बढ़ाऊंगा मैं, दैट आई विल सी समहाउ. तो अभी उसके भी प्लानिंग है, वी विल सून डू दैट ऑल्सो फॉर यू. एंड अदरवाइज कम्युनिटी लर्निंग में तो हर संडे आपको मैं मिले रहूँ, महीने में 4 बार आपको मिलूंगा फॉर श्योर गाइस. चलिए गाइस, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, एंड इट इज रियली एनकरेजिंग, एंड आई एम थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट टू ऑल ऑफ यू. Thank you very much, guys. Let's take a leave then. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye-bye. Bye, sir. Yeah.